चौधरी किसानों की मंडियां शुरू करो, 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 एफसीएड गवर्नमेंट जिंदाबाद, एफसीएड गवर्नमेंट जिंदाबाद, एफसीएड गवर्नमेंट जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री पटेल चौधरी जिंदाबाद, श्री पटेल चौधरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद, एफसीआई मुर्दाबाद। के लिए यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मिले हैं यहाँ पे, और आपको जैसे पता है कि 30 तारीख से धान की मंडियां जो हमारे यहाँ जिले में साफ हो रही, और धान वहाँ पे अभी भी किसानों का 30-40% जो धान जो था वो अभी बकाया पड़ा हुआ है, और सब मंडियों में ऐसे खुला वहाँ पर छोड़ा हुआ है, किसानों का नुकसान हो रहा है। और ये अपना कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे नवीन चौधरी जी, और डायरेक्टर जो हैं के शर्मा जी, और बाकी एफसीआई के कोई पांडा साहब हैं, ये सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं। 27 तारीख से, जैसे कि जिला बीच से हमें पता चला है कि 27 तारीख से इन्होंने लेटर उनको भेजी है, क्योंकि पिछले साल भी मंडियां जो हैं वो 31 दिसंबर तक चलती रही है, किसान की फसल 31 दिसंबर तक चलती रही है, लेकिन ये बीच के लोगों को, प्राइवेट मंडियों को, प्राइवेट व्यापारियों को फायदा देने के लिए ये बीच में गैप करते हैं कि किसान पैनिक हो जाए, किसान परेशान हो जाए, ऊपर से बारिश का मौसम है। बाद में यही एफसीआई वाले बोलेंगे कि धान में नमी आ गई है, हम धान नहीं लेंगे। उसी के लिए हम यहाँ से मिले थे, और मजे की बात सुनिए कि 3 दिन पहले भी इनको यहाँ पे चेतावनी दी गई थी, और उसके बाद कल नवीन चौधरी जी यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कल लखनपुर में आए थे, और किसी भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने या जिला किसे बाकी अफिसरों ने उनके संज्ञान में बात की भी, उनको पूछ सकते थे कि जिले में इतनी परेशानी आ रही है, किसान कहाँ जाए, लेकिन वो 2 घंटे वहाँ पशुधन मेले में घूमते रहे, अपना एंजॉयमेंट करते रहे, तो किसान की बात नहीं हो रही है। आप दिल्ली पहले किसान ने संघर्ष किया, और जम्मू कश्मीर में जैसे आपको पता है कि सरकारी जमीनों पे जो किसान 47 के बाद जिन्होंने LB6 LB7 अपने सब कुछ जमा करवा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा, उनको उठाया जा रहा है, जो 2-2, 3-3 मरलों में बैठे हुए थे उनको भी तंग किया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस ने मजदूरों के हक में, किसानों के हक में ये अपनी जो मुहिम जो है वो छेड़ी हुई है, और हमने आज अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ज्ञापन दिया है कि जल्दी से धान की मंडियां खोली जाए। और दूसरी तरफ जैसे कि रोशनी कैकेट में एक रिव्यू पिटीशन जो दायर हुई थी, उसी रिव्यू पिटीशन की तरह पे रियासत की सरकार को भी हमने ये कहा है कि बाकी के लिए भी रिव्यू पिटीशन दायर करें, ताकि ये जो एक किस्म से पैनिक मची हुई है हमारे पूरे इलाके में, बॉर्डर में, जानदड़ में या कंडी में, कि सरकारी जमीनों को खाली कराया जा रहा है, उसे निजात हासिल किए जा सके। इस हिसाब से मिले, और हम लोगों ने जो किसानों की जो मंडियां बंद की हुई हैं उन्होंने, उसके खोलने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि उसको खोला जाए, क्योंकि किसानों को यह परेशान किया जा रहा है एफसीआई डिपार्टमेंट की तरफ से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। जिस दिन पहले दिन से मंडी खुली थी उस दिन से किसान परेशान था, और जब इन्होंने बंद की वो भी हालात आप देखो, आज भी किसान की जो फसल है वहाँ पे पड़ी हुई है मौके पे, और किसान परेशान है। किसान को किस चीज की सजा दी जा रही है? क्या उसने इन डिपार्टमेंट वालों के साथ कॉपरेट किया? इन्होंने कहा कि यहाँ पे रश ना डालो, जहाँ आप आहिस्ता आहिस्ता हो, इन्होंने उनके साथ कॉपरेट किया जैसे इन्होंने बोला, और उस कॉपरेट करने की जो सजा इनको मिल रही है, जो इन्होंने आज वहाँ पे फसल इनके कॉपरेशन के लिए वहाँ छोड़ी थी कि इनको तंग ना करें, लेकिन इन्होंने अचानक से मंडियां बंद कर दी। ये नहीं पता कि क्या इनका मिली भगती व्यापारियों के साथ थी, या सरकार का प्रेशर था, या जो भी इनके साथ था, कि किस वजह से इन्होंने जो मंडियां बंद की हैं। अगर आपकी व्यापारियों के साथ कोई सांठगांठ है तो आप ये छोड़ दो, क्योंकि ये मत सोचो कि किसान अकेला है। किसान के साथ हमेशा हमारी पार्टी और हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, चाहे वो यूपी का किसान हो, चाहे दिल्ली का हो, और चाहे वो हमारे कठुआ का किसान हो, हम कभी भी किसान का साथ छोड़ने वाले नहीं है। अंत में मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहूंगा कि किसानों की डिमांड को माना जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमें उग्र प्रदर्शन करने पे मजबूर किया जाए। लास्ट में यही कहूंगा, जय जवान जय किसान। हमारा जो मटर मिला है, जैसे सरकारी जमीन जो है वो ऑर्डर निकाला है हर तहसीलदार ने कि उनसे वापस ली जाए, बोर्ड लगा रहे हैं, उसी सिलसिले हम वहाँ मिले थे। इसके साथ ही जो
किसानों का धान जो 30 नवंबर से बंद कर दिया गया है, पिछली दफा 31 दिसंबर तक चला था। हमने बात की है डीसी साहब से कि वो 31 दिसंबर तक चला जाए। उसके साथ ही एक एक महीने से किसानों के धान का अभी तक पैसा नहीं मिला। वो बात भी की है पंकज डोगरा जी ने डीसी साहब से कि वो पैसा जो है किसानों के खाते में डाला जाए। उसके साथ ही बजू नाला पे जो चेक डैम बन रहा है उसके बारे में भी बात हुई है और डीसी साहब ने कहा है कि हम ऊपर बात करते हैं लफ्जी बात कर दी है। तो यहाँ के जो जम्मू के किसानों की हालत है वो आपके सामने है। जैसा कि मंडी का जो सिस्टम है, ये पहले ही हमने कहा था क्योंकि मंडी का सिस्टम ये सही ढंग से नहीं चल रहा है और उसके बदौलत इन्होंने मंडी 10 दिन पहले ही बंद कर दी और लोगों का जो धान है वो वहाँ पे ढेर लगे हुए हैं और वो धान खराब हो रहा है। तो ये मजबूरन ना हो ये किसानों को, ये प्राइवेट लोगों को फायदा देने के लिए और मजदूरों लोगों को प्राइवेट लोगों को ये धान देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं एफसीआई डिपार्टमेंट को, खास करके ये कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, ये किसानों की सूद ले। देखो जम्मू में भी किसान रहते हैं और जम्मू में जो किसान है छोटा किसान है लेकिन काफी सारे किसान वो खेती बाड़ी में दस रहे हैं। और दूसरा जो एक जारी तालिबानी फरमान जो हुआ है जो स्टेट लाइन का, तो यही हम कहने जाते हैं कि हमारा संघर्ष जारी है। तो इसके तहत किसी को आज हमने मेमोरेंडम भी पेश किया कि जल्दी से जल्दी ऐसा ना हो कि यहाँ भी एक सिंधु बॉर्डर बन जाए, कठुआ भी एक सिंधु बॉर्डर बन जाए। तो यही हालात है ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये चलो हमारे जो कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस निकाले हैं हमारे छोटे छोटे किसान जिनके पास 3 कनाल 4 कनाल लैंड है या जिनके जो लैंडलेस लोग हैं उनके लिए नोटिस निकाले जा रहे हैं कि उनको वहां से निकाला जाए या उनसे जमीन छुड़ाई जाएगी। तो हम आज एक एज ए डेपुटेशन डीसी साहब के पास आए थे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट के इनके हमने इनके साथ मिलकर दिया है कि हमारी जो जमीनें हैं किसानों की, जो छोटे छोटे किसान हैं 3 कनाल या 4 कनाल जिनकी जमीनें हैं, जो लैंडलेस लोग हैं उनकी जमीनें ना छुड़ाई जाए। वो उन हमारे लोगों की जमीन है जिसके साथ वो रोशनी एक्ट वाला मामला है, वो भी हमारी जमीनें जो हमारे किसान जो 50-60 साल से पीछे उस जमीन को चला रहे हैं, वहाँ पे अपनी फसल छोटे मोटे किसान थे उगा रहे थे, उन भी जमीनों पे आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना पंजा वहाँ चलाने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए थे कि वो हमारे किसानों की जमीन है, उनको किसानों के पास ही रहने दिया जाए। कांग्रेस पार्टी का जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डोगरा की अध्यक्षता में किसानों के सिलसिले में जिलाधिकारी के साथ एक डेपुटेशन मिला कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसान जो है वो अन्नदाता है, लेकिन किसान को इस सरकार ने इतना दुख तकलीफ में रखा है कि ना तो किसान काम करने के लिए, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, किसान का बच्चा भी आज सड़कों पे है, दर बदर हो रहा है। पिछले दिनों आप देख रहे हो पूरे एक साल से किसान जो है वो कहीं सिंधु बॉर्डर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो कहीं दिल्ली के पास, कहीं नोएडा में। जब किसान को इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 12-13 महीने से लगातार लताड़ते आ रही है और ये किसान जो छोटे छोटे किसान हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये नया फरमान सरकार ने निकाला है कि जिसके पास कहा चलाई है वो वार निकाले, जिसके पास रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन जो है गरीब लोगों को थोड़ा सा पैसा लेके उनके नाम जो सरकार ने की थी पिछली सरकार ने, जहाँ पे वो छीनी जा रही है और किसान को दिन रात तंग किया जा रहा है। किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ, धूप बारिश गर्मी सर्दी में किसान अपने खेत के अंदर अनाज उगाने के लिए सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं पूरे संसार को वो फीड करता है, पूरे संसार के लिए वो राशन पानी इकट्ठा करता है। लेकिन विडंबना देखिए इस सरकार की, ये दिन ब दिन उस किसान को ये तंग करते जा रहे हैं, कभी उनके जमीनें छीन रहे हैं, कभी किसी न किसी मसले से किसान तंग है, उसको खाद नहीं मिलता, डीपीए नहीं मिलता समय के अंदर और वो जितनी भी फसल उगाता है वो उसका दाना पानी उसके घर के लिए भी पूरा नहीं हो रहा है। ये आज का डेपुटेशन जो है वो हमने डीसी साहब को दिया है, तो इसके ऊपर हमने कहा है कि संज्ञान लें जल्दी, अन्यथा एग्रीकल्चर के जितने भी हमारे किसान हैं ये इकट्ठे होकर कांग्रेस की अध्यक्षता में बहुत बड़ा पुरजोर प्रोटेस्ट करने को विवश हो जाएंगे।